यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। इसके बाद अब मनीष कश्यप के मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। बता दें, बिहार में आर्थिक अपराध इकाई पहले ही मनीष कश्यप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और मनीष के खिलाफ लगातार जाँच भी चल रही है। बिहार पुलिस की प्रारंभिक जाँच के बाद तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ ले गई। अब मनीष कश्यप के खिलाफ NSA लगाया गया है। मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में मदुरई सेंट्रल जेल भेजा दिया। वही मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को भी एक साथ जोड़ने की मांग की है। क्या होता है NSA? दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। ये कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए थे। इसी मामले में मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।